भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक तरफ आपका ये चौकीदार 5 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड, अपनी नीति और नियत के साथ आप सबके सामने मौजूद है। दूसरी तरफ दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है जिनके पास सिर्फ एक ही नीति है, मोदी हटाओ, और एक ही नियत है, वंशवाद बढ़ाओ, भाई भतीजावाद बढ़ाओ। साथियों, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा। आप बताइए, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा या पहले की तरह हर प्रकार के गांव झेलता रहेगा? इस चुनाव में आपको तय करना है। चौकीदार की रणनीति स्पष्ट है। हमारे खिलाफ साजिश देश के भीतर होगी या फिर सीमा पार, अब सीधा प्रहार होगा, गहरा प्रहार होगा और गश्म घर में घुस करके होगा। लेकिन सपा बसपा का स्टैंड क्या है? सपूतों के शौर्य का सबूत दो। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? टुकड़े टुकड़े गैंग का सम्मान करो। आपको ये बातें मंजूर है क्या? आपको मंजूर है क्या? आपको देश की सरकार पे भरोसा है? देश की सेना पे भरोसा है? हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है? हमारी फौजियों के बलिदान देने की भावना पर भरोसा है? आपको है, लेकिन ये वंशवादी लोगों को नहीं है। भाइयों और बहनों, ये पूरा इलाका तो ऐसे सपूतों का है जो या तो नक्सलवादियों माओवादियों से मुकाबला कर रहे या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों और पाकिस्तानियों को जवाब दे रहे। मैं आप लोगों से, यहां बैठी बहनों बेटियों से जरा पूछना चाहता हूं, हमारे जवानों की रक्षा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब पूरी ताकत से दीजिए। हमारे जवानों की सुरक्षा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारे जवानों के सम्मान के लिए मोदी ने डट करके मुकाबला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बम धमाकों से देश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि मोदी को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। देश कह रहा है कि मोदी को ये काम करना चाहिए, पर कांग्रेस कह रही है कि उनको मौका मिले तो आतंक के सरपरस्तों से बात करेंगे। आतंकी हमलों का सामना कर रहे हमारे जवानों को मिला विशेष अधिकार हटा देंगे, देशद्रोह करने वालों को माफ कर देंगे, ये कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में घोषित किया है। क्या देश को मंजूर है? आपको मंजूर है? देश को एक जवानों को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये जो हटाना चाहते हैं
उनको ही हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमारे जवानों को आतंकियों और पत्थरबाजों के सामने लाचार कर दें, ऐसी नीति आपको मंजूर है? आपको मंजूर है देशद्रोहियों को खुली छूट मिले? क्या ऐसी नीति कोई देशवासी मंजूर करेगा? भाइयों और बहनों, मोदी से पार पाने के लिए, ये राष्ट्र को दांव पर लगाने के लिए तुल गए हैं। ये वोट के लिए देश को जाति में, संप्रदाय में, स्वार्थ के समीकरण में उलझाना चाहते हैं, लेकिन आपको इनके इस एजेंडे को, इनकी साजिशों को नाकाम करना है। देश में होने वाला कोई भी बम धमाका किसी की जाति देख करके जान नहीं लेता। सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी होता है, एक भारतीय होता है।